महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मनोहर जोशी के निधन से दुख हुआ। वे एक अनुभवी नेता थे जिन्होंने सार्वजनिक सेवा में सालों बिताए और नगर पालिका, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग जिम्मेदारियां निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, उनके परिश्रम के लिए उन्हें याद किया जाएगा। एक विधायक जिन्हें सभी चार विधानमंडलों में सेवा करने का सम्मान मिला, उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। आज हम सभी के लिए ये बहुत ही दुख की बात है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मनोहर जोशी सर, इनका दुखद निधन हुआ है। मनोहर जोशी सर महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसे राजनेता थे जिनके पार्टी से भी परे सभी लोगों से संबंध थे। उनकी अपनी एक शैली थी, सभी को हंसते हंसाते वो जिस प्रकार से अपने भाषणों में व्यंग कसते थे, तो जिसको संदेशा मिलना चाहिए उसको ठीक से वो मिलता था। विशेष रूप से महाराष्ट्र की राजनीति में उनका मुख्यमंत्री के तौर पर जो योगदान है इसको हम नहीं भुला सकते, और अपने जीवन में उन्होंने जो किया वो अच्छा ही किया। एक छोटे से उद्यमी के रूप में उन्होंने जो कार्य शुरू किया तो अपने उद्योग को भी बड़ा किया। एक छोटे शिवसैनिक के रूप में काम शुरू किया तो मुख्यमंत्री भी बने, देश की लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। कई लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी, और निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि उनके जाने से महाराष्ट्र की राजनीति को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका कार्य अनुकरणीय है, ऐसा व्यक्ति हमारे बीच से गया है। मैं उनको बहुत बहुत विनम्र इस प्रकार की श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी सर के निधन की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ। एक अनुशासित और दृढ़ नेतृत्व, जिसकी शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के प्रति गहरी निष्ठा थी, और उन्होंने जिस महाराष्ट्र की कल्पना की थी उसके निर्माण में पूरे दिल से योगदान दिया। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मनोहर जोशी ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे लेकिन उन्होंने कभी भी शिवसेना नहीं छोड़ी। वे हमेशा पार्टी के प्रति वफादार रहे। जब बालासाहेब ठाकरे को गिरफ्तार किया गया तो उनके साथ गिरफ्तार किए गए लोगों में से वे एक थे। उनका निधन पार्टी के लिए बड़ी क्षति है। मनोहर जोशी के निधन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कहते हैं, मनोहर जोशी अब हमारे बीच नहीं रहे। ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है क्योंकि उनके नेतृत्व में महान लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनके द्वारा शुरू की गई परंपराएं मुझे हमेशा प्रेरित करती हैं। वहीं मनोहर जोशी के निधन पर राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी जी के निधन से दुख हुआ। उन्होंने खुद को एक परिश्रमी नेता के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिनकी संसदीय परंपराओं को बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए पूरे राजनीतिक क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार दोस्तों के साथ है। शांति।